राम मंदिर शंकराचार्य जी को लेके जो रामदेव बाबा टिप्पणी कल उड़ीसा में दिए, इसके बारे में आप कहते हैं? देखिए, राम मंदिर का जो विषय अभी चल रहा है और रामदेव बाबा के लिए जो आपने पूछा है, किन्हीं के ऊपर व्यक्तिगत कोई टिप्पणी करना बहुत उचित तो नहीं है, और राम मंदिर के विषय को किसी एक व्यक्ति की टिप्पणी करने के लिए, समीक्षा करने के लिए प्रयोग करना यह बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी रामदेव बाबा ने कल जो एक चैनल में विषय कहा है, मैंने भी उसको सुना, उन्होंने जो कहा कि दो दशकों से लगभग शंकराचार्यों को राष्ट्रीय मीडिया में जो स्थान नहीं मिला था, उसके लिए शंकराचार्य जी ने जो कहा तो उनको एक अवसर मिल गया मीडिया में अपने आप को ख्यापित करने का, ये जो उन्होंने विषय कहा है। तो रामदेव बाबा हमारे बहुत प्रिय हैं, उनको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि जिस समय में हमारे परम प्रिय श्री रामदेव बाबा, कांग्रेस का शासन था, मनमोहन सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और दिल्ली में वो काले धन के लिए जो आंदोलन कर रहे थे, उसमें रामदेव बाबा जी सलवार कुर्ती पहन करके रामदेव बाबा से रामेश्वरी देवी बन करके जब मंच से छलांग लगाकर भागे थे, उस समय उन्होंने जो बात कही है कि दशकों से मीडिया में स्थान नहीं मिला, उस समय पूरी पीठ के मान्य हमारे परम पूज्य जगत गुरु भगवान ने ही मीडिया में आ करके रामदेव बाबा के बचाव के लिए, उस समय कांग्रेस की सरकार में, उस समय जो भाजपा के संत माने जाते हैं वे समर्थन में नहीं थे उनके, उस समय पूरी के शंकराचार्य जी ही मीडिया में आ करके उन्होंने सरकार के इस कदम का खंडन किया था और पुरजोर विरोध किया था। और जिस नकली शंकराचार्य के विषय में शंकराचार्य जी बार बार कहते हैं, जिसके विरोध से भाजपाई संत लोग बचते दिखाई देते हैं, उस समय उसी दुष्ट आतंकवादी ने, जो पुरी का शंकराचार्य बन के घूमता है, वो इन्हीं रामदेव जी के लिए उसने बयान दिया था जी न्यूज पर, उसकी पट्टी अभी ढूंढ सकते हैं आप लोग अगर उन्होंने डिलीट नहीं किया होगा तो। उसने बयान दिया था कि कांग्रेस की सरकार ने जो रामदेव जी के साथ किया वो बहुत अच्छा किया। तो अब इनका क्या दायित्व होता है, कई दशकों से मीडिया पर नहीं आए, ये जो उनका भ्रम है उस भ्रम को धोने के लिए वो अपने ही भूतकाल में जाएं और देखें कि कैसे शंकराचार्य ने मीडिया में आकर उनका ही बचाव किया था और आज वो क्या कर रहे हैं। और अगर वो, उन्होंने ये भी कहा उसमें कि मैं तो मीडिया में आता रहता हूं, तो पूरी के शंकराचार्य जी जिस प्रकार, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, निष्पक्षता से सभी को आड़े हाथ लेते हुए केवल धर्म की और निष्पक्षता की, सत्य की बात कहते हैं, क्या भारतीय मीडिया में उसको दिखाने की क्षमता है? उनके स्टूडियोज पर ताले नहीं लग जाएंगे? उनको धन देने वाले, उनको शक्ति देने वाली सरकारें क्या उन पर अंकुश नहीं लगा देंगी? और ऐसा आज राज्य स्तर के मीडिया चैनल्स पर, केंद्रीय मीडिया चैनल्स पर हो भी रहा है, आप देख भी रहे हैं। तो दशकों से जो लोग मीडिया पे छाए हैं, रामदेव बाबा भी अगर दशकों से मीडिया पर छाए हुए हैं, तो पूरी के शंकराचार्य जी एक बात कहते हैं कि भाजपा के संत हैं, कांग्रेस के संत हैं, बसपा के संत हैं, सपा के संत हैं, अलग अलग नेताओं के बनाए संत हैं, वो सब छाए रहते हैं, तो उन्हीं को मीडिया दिखाता है, तो वो अपनी समीक्षा भी कर लें फिर कि वो किसके संत हैं, इसमें से भाजपा कांग्रेस आदि के जो विषय कहेंगे उसमें वो किसके संत हैं, वो भी इस बात की समीक्षा कर लें। और ये भी समीक्षा कर लें कि दशकों से अगर वे मीडिया में छाए हुए हैं तो वो किस विषय को लेकर मीडिया में आए थे और किस विषय को लेकर मीडिया में छाए थे, काले धन को लेकर छाए थे। और अभी लगभग एक दशक से तो जिनकी सरकार है उसमें उनका वो मुद्दा कहाँ चला गया जिस मुद्दे के कारण वो मीडिया में आए थे, और मीडिया भी उसी मुद्दे को लेकर उनको दिखाता था। तो मीडिया भी अपनी समीक्षा करे कि वो किस मुद्दे को लेकर उनको दिखाता था, वो मुद्दा कहाँ छूमंतर हो गया, और वो किस मुद्दे को लेकर आए थे, वो काले धन का मुद्दा कहाँ छूमंतर। आचार्यों पर आक्षेप करना ही अच्छी बात नहीं है, शंकराचार्यों को लेकर के जो भी विषय कहा जा रहा है, राम जन्मभूमि का जो पूरा विषय है, जिस समय संघ का जन्म नहीं हुआ था भारत में, विश्व हिंदू परिषद का जन्म नहीं हुआ था भारत में, और भाजपा जो जनसंघ के रूप में था उस रूप में भी पैदा नहीं हुआ था, जिस समय कांग्रेस भी पैदा नहीं हुई थी, उस समय से भारत के साधुओं ने, संतों ने, शंकराचार्यों ने इस विषय को उठाया था। जो नागाओं की, साधुओं की चर्चा का विषय था केवल राम मंदिर, उसको सबसे पहले यति चक्र चूड़ामणि हमारे परम पूज्य परम गुरुदेव धर्म सम्राट स्वामी कर्पात्री जी महाराज ने ही जन जन का आंदोलन राम मंदिर को बनाया, रथ यात्रा करके जो उसका प्रचार प्रसार हुआ, मैं अपनी दृष्टि से उसको कहता हूं कि निश्चित रूप से वो एक चुनावी सफलता
हासिल करने का एक मुद्दा था, उससे राम जी का प्रचार हुआ, ये सब ठीक है, उसमें बहुत से संत लोगों ने साथ दिया था, स्वामी वामदेव जी महाराज ने बड़ा परिश्रम किया, तो उसका श्रेय भी जिसने काम किया उसको मिलना चाहिए। और वर्तमान में पुरी के जगत गुरु शंकराचार्य जी और उस समय में द्वारिका पीठ के स्वनामधन्य शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी, इन सब महापुरुषों ने आरंभ से इसमें अपनी पूरी भूमिका प्रस्तुत की है। कोर्ट की जहां तक बात है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी जिस समय में निर्णय आया उस समय सब लोग होली मना रहे थे, दिवाली मना रहे थे कि आधा आधा हो गया, अब तो बढ़िया काम हो गया। उस समय पुरी के शंकराचार्य जी ने मजबूती से कहा था कि नहीं, ये विषय सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए, हिंदुओं को हिंदुओं का स्थान मिलना चाहिए। उस समय कोर्ट में भी एक शंकराचार्य, द्वारिका के शंकराचार्य जी महाराज की ओर से भी वहां पर पक्ष रखा गया था, और एक शंकराचार्य जब पहुंचे हैं तो सबको जाने की वहां पर बात थी भी नहीं, एक प्रतिनिधि के रूप में कोई व्यक्ति था, उससे काम चल ही रहा था, चाहे मैदान की बात हो चाहे आंदोलन की बात हो, सभी स्थितियों में राम मंदिर के लिए शंकराचार्य ने अपनी भूमिका प्रस्तुत की थी और आज भी कर रहे हैं। तो ये आक्षेप करना, ये अपने ही स्तर को गिराना है ऐसे व्यक्तियों को जो आचार्यों के विरोध में बोल रहे हैं, उनको इतिहास की समीक्षा करना चाहिए। जिस समय कांग्रेस हुआ करती थी केंद्र में, सब लोग कांग्रेस का झंडा ऊंचा करते थे, आज भाजपा है तो भाजपा का झंडा ऊंचा कर रहे हैं, ऐसे राजनीतिकरण से इन महात्माओं को बचना चाहिए।